खबर जौनपुर से है, जहां पर अपहरण और रंगदारी मामले में धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए हैं। आज पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा सुनाई जा सकती है। 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने शिकायत की थी। अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह पर अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है और आज इन्हें सजा सुनाई जाएगी। जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी सुनवाई चली। ये पूरा मामला साल 2020 का है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह पर आरोप लगाया था कि धनंजय सिंह के लोगों ने उनका अपहरण किया था और अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले गए, जहां पर उन्हें पीटा गया था, गालियां दी गई थी और कम गुणवत्ता की चीजें उपलब्ध कराने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चला और धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया है। कल ही धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है और आज सजा पर यानी कि सुनवाई होनी है कि सजा कितने साल की होगी, क्या जीवन कारावास होगी, यानी कि सजा कितने साल की दी जाती है। तो जौनपुर से ये खबर बता रहे हैं, अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में धनंजय सिंह दोषी करार। और हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जौनपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सुनवाई कब तक शुरू होगी, क्योंकि आज सजा सुनाई जानी है और क्या लगता है कि कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है? अपहरण किया है और जान से मारने की धमकी दिया है, जिसको लेकर कई थानों की फोर्स ने रात में धनंजय सिंह के आवास पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया था, जिसमें 3 महीने जेल भी काट चुके हैं और जमानत से हैं। कल उनकी पेशी थी और जिसमें उनको दो करार दिया गया है। अब देखना यह है कि लंच के बाद कितने वर्ष की सजा सुनाई जाती है। सबसे बड़ी चीज है, जिसने आरोप लगाया था अभिनव सिंघल ने, वह जाके होशियारी भी कर दिया है, कोर्ट में होशियारी भी कर दिया है, उसके बावजूद भी धनंजय सिंह को सजा कब सुनाई जा सकती है। सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि जो अभिनव सिंघल है वो कोर्ट में बयान भी दे चुका है, लिखित बयान दे चुका है कि अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी ने मेरे साथ न मारपीट की न मेरा अपहरण किया, उसके बावजूद कल पेशी में देखा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट पर जानकारी दी थी कि जौनपुर जीतेगा, हम जीतेंगे, उसको लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा का माहौल गर्म है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लगातार उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी। परसों अखिलेश यादव से भी वो शादी समारोह मिले थे, भोपाल से भी रामगोपाल सिंह, लगातार अखिलेश से नजदीकियां बढ़ रही थी, क्योंकि भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को यहाँ से टिकट दिया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि साक्षर तैयार रही है 2024 के लिए। और कल किस तरह से जब इनको दोष करार दिया गया अपहरण को लेकर, आज ये लंच के बाद ये मालूम हो सकता है कि कितने वर्ष सजा होगी। अगर 2 साल से कम की सजा होती है तो यह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब ये तय करेगा इनकी राजनीति जारी रहेगी कि या आज के बाद इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।